सुनिए सरदार जी, आपको मैं जिस भेष में दिख रहा हूं, अरे मैं कोई पागल भिखारी नहीं। क्या? हाँ सरदार जी, क्या तुम कोई पागल नहीं हो? मैं इस राज्य का राजकुमार था। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह था। हमारी माँ थी, हमारे बड़े भैया थे और हमारे घर में एक भाभी थी। लेकिन पता नहीं हमारे हंसती हुई खेलती हुई जिंदगी में और परिवार में किसकी नजर लग गई सरदार जी, किसकी नजर लग गई। हमारी भाभी और भैया को ना जाने क्या हुआ, अचानक हमारे पिताजी को मारकर 2 नंबर जेल में कैद कर दिया, वो भी राजपाट पाने के लिए। और हमारी भाभी जो है इतनी बदचलन निकली, हम अपने घर पहुंचे, अपने पिताजी को वहां से आजाद कर दिए। उसके बाद हम अपने भाभी के पास पहुंचे, वहां भैया नहीं थे। हमारी भाभी हमसे उल्टा सीधा बात करने लगी। जब उल्टा सीधा बात करने लगी तो हम गुस्से में आकर 2-4 हंटर मार दिए। और मारने के बाद हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुंचकर हमें गलत साबित करके हमें जल्लाद के हाथ में सौंप दिया सरदार जी। क्या कहा मुल्ला? हाँ सरदार जी, तू राजू है, तू महाराज भी कहते का बेटा है। हाँ सरदार जी। अरे मुल्ला, अरे राजू, हम कोई चोर बदमाश नहीं रहे, हम कोई डाकू नहीं मुल्ला, तेरे घर से मुल्ला। मैंने तुझको कितनी बार कहा कि तू यहां से भाग चल मुन्ना, लेकिन तूने हमारी बात को नहीं मानी और आज आज उसका इंतजाम क्या हुआ? पिताजी, ये सब आपकी बात न मानने का ही नतीजा है पिताजी। लेकिन मुन्ना, तू होश में आ गया? हाँ पिताजी, सब ठीक हो जाएगा मुन्ना। सरली, बहुत दिनों के बाद हमारा राजू हमें मिला है, इसलिए हम गुफा चल रहे हैं। हमारे बेटों को गुफा लेके आना। चलो राजू, आओ चलो गुफा की तरफ चलते हैं। रेखा बोलो। अब सबसे पहले मुझे उस हरामजादे, मेरे ही दरबार का 2 कौड़ी का नौकर महामंत्री दुर्जन सिंह से बदला लेना है। उस हरामजादे को जब तक मैं मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और रेखा चलते हैं। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वही है रेखा। लेकिन राजू, ए दुर्जन, दुर्जन तो मेरा भाई है। क्या? और मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। दुर्जन की बहन? हाँ राजू। माफ करना रेखा, लेकिन आज तक जो कुछ भी हुआ तो हमारे दुश्मन की बहन हो, आज तक जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाना, ये सोचना कि राजू नाम का लड़का मेरी जिंदगी में आया ही नहीं था। ये कैसी बातें करते हैं राजू? हाँ रेखा, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, आप भी कैसी बातें करते हैं? इतने दिनों तक आपको ढूंढते फिरते रहे, दर बदर की ठोकरी खाती रही, और तू कह रहे हो इसे सपना समझ के भूल जाऊं? नहीं राजू, बगैर तुम्हारी ये रेखा मर जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तो रेखा, वादा कर, आज मैं यही देखूंगा कि तुम उससे प्यार करती है या अपने भाई को चाहती है। मैं अपना प्यार चाहती हूँ। अगर तू अपना प्यार चाहती है, अगर तू अपना प्यार चाहती है तो चल चल मेरे संग। उस हरामजादे को मौत की नींद नहीं सुला दिया तो राजू मेरा नाम नहीं। वादा कर। वादा करती हूँ कि मेरे संग में उस हरामजादे को सजा देने में तू मेरा साथ देगी। हाँ राजू, वो भाई ने कसाई है जिस कुत्ते ने इतने दिनों तक हमारा प्यार हमसे अलग किया। मैं वादा करती हूँ कि रेखा अपने हाथों से अपने भाई को सजा
रेखा। अरे जीत जाएंगे जंग तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग हो, जिंदगी जीत जाएंगे हम तुम अगर हरवारी। अरे बहिनी हरा चला पुचू की बांधा ना गंगा नहा चलकबा नहीं चलकबा का। अब तुम लोग अभी बैठे हो, तुम लोगों को अपनी मौत से डर नहीं है का? अगर चाहते हो जान की भलाई तो निकलना चालू कर दो। जाता नहीं कहे हाथ हो जाता घर के नाती। कैसे अब सात बजने वाला है, राजकुमार राजेश की फांसी दिलाने वाले हैं और फिर तुम लोगों के नसबंदी का आदेश होने वाला है। ए हो करे जा बोला मोरे राजा। अरे पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई नदिया टूटी, शंकर जी के बूटे अखिया खुल गई नदिया टूटे, पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई नदिया टूटी, नया और पिला दे यार चरासी और पिला दे यार, पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई नदिया टूटे, पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई नदिया टूटे, नया सा लग गया संसार चरासी और पिला दे यार चरासी। देखो फांसी पे इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, कब ये हमारे काम मेरा गंगा स्नान हो। ए देखने वालों इसे मार दे तुम लोगों को बुरा तो ना लगेगा यार। अरे बुरा की क्या बात है, और लगेगा तो बुरा ही तो लगेगा। हाथ ना हिलाओ नहीं हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। डंडा दांत तोड़ दूंगी, हाँ समझ लेना। दिन भर गेहूं कटाऊंगा एक महीने बाद, याद आ जाएगी बुद्धि। बाबा आगे तो लाख लगा के मोछा उखाड़ कहे भी अपने जान की खैर नहीं चाह रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साले। नंबर एक। अरे ठहरो ठहरो काहे को जल्दी पड़ी है, तू अपने हाथ से मारेगी? मारूंगी, और इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लू। हाँ तेरा पहले वाला भतार भी तो है। पूछ मेरी जान। क्यों मरने से पहले कुछ खाना चाहिए? अरे हरामजादी साली कुतिया। हाँ बोल हरामजादे कुत्ते। अबे साली क्या खाना चाहता हूँ, चंदा क्या खाना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों को मांस खाना चाहता हूँ। अरे दैया मैया रे मैया, ये हरामजादा हमारा मांस ना समझा, समझा खरबूजा। कुछ पीना चाहता है क्या? अरे कुछ पीना चाहता है। क्या बोले तूने? कुछ पीना चाहता है। क्या पिलाएगी तू साली? जहर पिलाऊंगी हराम जाते। अरे जहर पिला दे साली, मैं तो सोचता हूँ मुझे जहर पिला दे, मैं मरे होते ही शकल न देते। आप कब मारे कब माता छूटे, कहे इसकी शकल में कहा है बे? मेरे शकल में? अरे यार गलती किया, बुखार तो जला डाला है ना। आए हाँ हो। इसी के लिए रख देते। सही है। क्या कुछ देखना चाहता है? तेरी मौत देखना चाहता है हराम जाते। नगेशवा हमें मार सका जवाना, हमें मार सका जवाना, अरे जवाने में दम नहीं
और जवाना खुद हमसे है जवाने से हम सिखी। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता नंबर और दो और नंबर और कौन है आके जो हो गया बेखड़वा कौन है अरे आके जे हो गया जो खड़ा अरे काम क्या है तेरा अब बता दे मुझे रास्ते का हमारे अरे चुकाता बने हर मेरे सामने से अब तू सजा पाएगा आज बच कर यहाँ से अर न जा पाएगा मौत की नींद तुझको कि मैं कौन हूँ कौन है देख देख मैं कौन हूँ दुराचारी महाराज विज्ञान सिंह तुम हाँ दुराचारी मैं तूने अत्याचार बहुत किया है तुम जिंदा जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका सर्नी इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और गुफा ले चलो ताकि इन दोनों ने हमारे साथ
बहुत बड़ा अत्याचार किया है। अरे मरने वाले शख्स, ये बता तू कौन है जो कि ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं? मेरा नाम राजेश है और हमारे पिता श्री का नाम महाराज श्री विज्ञान सिंह था। क्या? हाँ, हमारे छोटे भाई का नाम राजू था और ये हमारे दरबार का महामंत्री है और ये हरामजादी नागन ये हमारी धर्मपत्नी है। इसके बातों में आकर के मैंने अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर दो जेल में डाल दिया था। इसी के बातों में आकर के मैंने अपने छोटे भाई को मारकर उस कुत्ते के हवाले कर दिया था। आज मेरा भाई मेरे पिता पता नहीं कहाँ हो गए। राजेश तू देख, राजेश बुढ़ा, मैं कोई डाकू नहीं रे, मैं तो तेरा वही बूढ़ा पिता जिसको तूने अपनी पत्नी के कहने पे इतना बर्बाद किया रे। पिता श्री मुल्ला, मैंने तुझको कितनी बार कहा रे कि बहू नहीं ये तो नागल है, लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी। तुमने सही कहा, अगर उस वक्त मेरी बात को माना होता तो आज हमारी जिंदगी नहीं बर्बाद होती। मुझे माफ कर दो पिताश्री, मुझे माफ कर दो। मुल्ला तेरी गलती नहीं रे, ये गलती तो हमारी किस्मत का है जो कि आज तक हम दर बदर की ठोकर खाते रहे, लेकिन तूने जिस भाई को जल्लाद के हवाले किया था वो अभी जीवित है। हमारा बड़ा जीवित है। मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए, मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए पिताश्री। सरकार जी जाओ, हमारे छोटे भाई को बुला कर लाओ। और अगर तू हमारी बात को मान देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मुंडा तुमने सही कहा, इस नागर के बातों में आकर के मैंने इसकी बातों में मैंने मान करके तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय किया था। देख राजेश, देख मुंडा अपने छोटे भाई को। मेरे भाई देख रहे इसकी हालत कैसी है राजेश? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे सजा दे। भैया क्यों अपने छोटे भाई को शर्मिंदा कर रहे हैं? भैया याद है मैं आपसे बार बार कह रहा था, भैया मेरी बात को विश्वास कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपकी भी उसमें गलती नहीं भैया, क्योंकि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। भैया आप करते भी तो क्या करते? देखिए परेश नागर ने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया है। भाई भाई से लक्ष्य है, बाप बेटे से लक्ष्य है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा बन्ना, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा पिताश्री, हम इसकी जिंदगी छीन लेंगे। हाँ मुन्ना, क्योंकि वो दोनों नाग नागिन हमारे कब्जे में है, देर करने की अब कोई जरूरत नहीं बेटा। चलो दोनों नाग आज गिल गिल के बल्ला सुखाएंगे। हेलो, आप आशीर्वाद ढुन्नीलाल पाल जी, ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी से शुक्रिया। गंगा, अरे लहिजा करे जा। ए, कौन है तू? क्यों मुझ छुपाई हुई? छुर रही है कहाँ के? तो जानना चाहता है।